हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं बैकग्राउंड वाईफाई स्कैनिंग को विंडोज 11 और 10 में। तो बड़े इजी और आसान स्टेप्स में आपको बताऊंगा कैसे कैसे डिसेबल करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्विसेज ओपन करनी होगी, तो सर्च कर लें सर्विसेज और ओपन कर लें सर्विसेज को। और इधर फाइंड करें आप डब्ल्यू लैन ऑटो कॉन्फ़िग, तो आप सिंपली फाइंड करें। सॉरी, ये तो डब्ल्यू हो, ये रहा देखिए डब्ल्यू लैन ऑटो कॉन्फ़िग, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। आप इधर नेम भी देख सकते हैं, इसको मीडियम पे क्लिक करें। इसको क्लिक करें, मैनुअल पे क्लिक करें और स्टार्टअप टाइप मैनुअल करें, मैनुअल करें और स्टार्टअप टाइप, और फिर इसको स्टॉप करें। तो अब ये सर्विस स्टॉप हो चुकी है, आपको रनिंग करनी है तो स्टार्ट पे क्लिक करें, फिर अप्लाई, फिर ओके। तो आप इधर से देख सकते हैं स्टेटस, ये रनिंग है, तो डबल क्लिक करके इसे स्टॉप कर रहा हूँ मैं, और फिर ओके। तो आप देख सकते हैं ये रनिंग नहीं हो रही है, तो मुझे वापस इसके रनिंग करने है, तो मैं रनिंग कर सकता हूँ पर मुझे नहीं करना, अब मैं क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से आप इजीली डिसेबल कर सकते हैं बैकग्राउंड वाईफाई स्कैनिंग को विंडोज 11 और 10 में। तो थैंक्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, प्लीज कमेंट करें मेरी वीडियो पे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए।